अपने बहुत अलग अलग तरीके के प्रमोशन किए, बट ये एक अलग ही प्रमोशन. तो हाउ यू फीलिंग टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट? आई थिंक एट ऑफ ऑल द इवेंट्स जो हमने किया, ये मेरे लिए सबसे सबसे स्पेशल है, क्योंकि इफ वी कैन हेल्प आउट You know, these three young ladies, four, you know, there's four kids here today, or even anybody else, you know, that, I think that means the most in life. Life mein, life hota hai, and bure cheeze hote hai, ya acche cheeze hote hai, but when you can do something nice, wo sabse acche cheeze hota hai na. आई थिंक जो लोग फिल्में बनाते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, और जब एक फिल्म निकलती है तो बहुत नर्वसनेस होती है. और अगर आप यूनिवर्स में कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं फिल्म से पहले, इट्स अ गुड वे टू गिव बैक, बिकॉज वी बीन लकी टू बी एम्प्लॉयड इन टू वर्क. आई डोंट थिंक देर इज अ बेटर ब्लेसिंग देन टू मेक चिल्ड्रन. बिफोर यू डू एनीथिंग इन लाइफ, इफ यू मेक चिल्ड्रन स्माइल, दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग यू कैन लुक फॉर ऑन एनीथिंग. Well, this was, I don't think something that was in the plans. Miss Ritu ji here, she asked us if, you know, we could be a part of this, contacted my designer, Hitesh Kapopra, who also designed this, did all the designing for this movie, and he said, this is what's going on, do you want to be a part of it? And without hesitation, it's a yes, always. And this is probably the best thing I've done today. And I don't want to do this. I actually just want to play. As much as I love talking to everybody, the smiles on these three little girls is the most amazing thing. और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले माधवन आर माधवन से बात किया था कि एक जैसे आप किसी से काम कोई पार्टनर चाहो फिल्म में काम करने, तो उन्होंने कहा था सनी, तो क्या आपका भी वैसे ही कि आपको उनके साथ कुछ काम करने में इंटरेस्ट? अगर चांस मिलता है, इफ इज रिटन इन माय लकी स्टार्स, अगर ऐसे बैकग्राउंड सीन पे भी होती, आई वुड से यस, इवन इफ इट वाज फॉर वन सेकंड. थैंक यू सो मच. व्योम के साथ क्या आप लोगों का एसोसिएशन के साथ, गोंडरीज कलेक्शन के साथ? जी, आई मीन वी गॉट कॉन्टेक्टेड बाय सनीज डिज़ाइनर, इसलिए हम यहाँ पर है. फॉर अस इट्स मोर अबाउट बीइंग हियर फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज, और इनको मुस्कुराते हुए देखने के लिए हमें आया है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सेल्फी का सर कैसे ख्याल कैसे सर? बच्चों के साथ जितनी भी तस्वीरें लो वो कम है, कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो मतलब एक सेकंड में इंसान अपनी मुश्किलें भूल जाता है. और ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, और सेल्फी इनके साथ लेने, मतलब हमारे लिए नॉर्मली इन स्टार्स के साथ लोग सेल्फी लेने आते हैं, इन आई थिंक हम सबकी कुछ नसीब है कि हम इन बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं. आई थिंक हर रोज इतने लोग सेल्फीज लेते हैं, अगर किसी लिए के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं एक सेल्फी लेकर, देन वी शुड बी देयर. फॉर आपका एक प्रोमो आउट हुआ है वो मेरा फेवरेट सीन है एक्चुअली, सो आई होप दैट एवरीबॉडी इज लविंग दैट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीन है मूवी में. बट उसमें हम क्या डिफरेंट देखेंगे? जैसे बेबी डॉल तो हम देख चुके हैं, बट ये संस्कारी वाली बेबी डॉल है, कितना डिफरेंस है? आई थिंक पीपल विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इस मूवी में आई गेट टू डू मैनी थिंग्स, आई मीन प्रोमोस में, सॉन्ग्स में, ऐसा दिख रहा है दैट देयर्स ओनली वन टाइप ऑफ कॉमेडी, और देयर्स यू नो पीपल आर ओनली सीइंग मी इन वन वे, बट आई डू बिलीव दैट जब लोग ये मूवी देखेंगे दे विल गेट टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ व्हाट आई कैन डू. एंड आई बिलीव दैट दिस इज अबाउट रीट्वीटिंग फोटोज एंड द अमाउंट ऑफ रीट्वीट्स वी गेट, रीट्वीट्स एंड द लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन एफबी एंड ऑन फेसबुक. Over what period of time? Till the 4th of Feb, because that's a cancer Wednesday. So, okay, so if you're watching this, अगर आपने ये फोटो इंस्टाग्राम पे देखा है, अगर आपने ये फोटो ट्विटर पे देखा है, प्लीज आर टी दीज फोटोज, प्लीज लाइक दीज फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज दे वर फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज, यूर डूइंग अ गुड थिंग, प्लीज डू सो. And I would like to say that on behalf of Daniel and I, whatever that number is, we will definitely be matching it. We're matching. Thank you. Thank you. Thank you.